कह लो तुम कब दिला रहे हो मुझे? व्लॉगिंग के लिए कैमरा में सोनी दिलाई, सोनी ने बोला था स्ट्रगल ले लो। हाय गाइस, सो आज का व्लॉग शूट करूंगी मैं, स्टार्ट करूंगी मैं। तो आज हम जा रहे हैं मेरे घर और हम सबसे मिलेंगे, प्लस ऑस्कर से भी, जिसकी मेरे को सबसे ज़्यादा याद आ रही है। और ये है ब्रूनो, वन ऑफ ऑस्कर्स बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ ऑस्कर्स ओनली फ्रेंड। ये देखो कितनी क्यूट है, क्यूट है ना? आज हम जा रहे हैं मेरे घर एंड नथिंग, बाकी का काम शिवम का। ब्रूनो चलो नीचे, चलो। गुड बॉय, गुड बॉय। ब्रूनो इतनी बात मानते यार, ऑस्कर को इससे कुछ सीखना चाहिए। महाशय सुबह सुबह लग गए लैपटॉप पे, मेरा कोई काम धाम नहीं है, बस लैपटॉप देख देख के अपनी आंखें काली कर रहे हैं, अपनी वीडियो देख के खुश हो रहे हैं। देखो स्माइल देखो, मॉर्निंग अपलोड किया, चेक कर रहा हूं क्वालिटी कैसी है। ओ बेटा हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं सोनी के घर, और ये रही मिस। आज हम खाएंगे चिकन, पूरी खुश तो है घर पीछे भांग के खेत आ रहे। हाँ हाँ, क्या हो गया, क्या ओ क्या हो गया, क्या चलो ऊपर चलते हैं। क्या खा रहे हो आप? खरबूजा। क्या है ये? मेरी मॉम क्या खाना बना रही है, आज बनेगा चिकन, स्वाद लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों को? उसी में परेशान भी हूँ, हैरान भी हूँ क्यों, जब से कोरोना काल चल रहा है। चलिए नीचे चलते हैं। ऑस्कर बॉल कहाँ है? Here's the ball. लो। इतनी खुश हो के आई है ना, गाने गाने लग गए। गाओ। हम लोग अभी आए थे वापस, कितने बजे आए थे हम लोग वापस? 3:30 के 4 बजे से आपका ऑफिस था। हाँ वही, हम 3:30 वापस आ गए थे सोनी के घर से। उसके बाद और ये चश्मा मैं इसलिए लटा रहा हूँ, पहन रखा था क्योंकि मेरा वाला चश्मा मेरे पास अभी नहीं है। ऑफिस का काम करते हुए मेरी आँख पे बहुत प्रेशर पड़ता है, इस वजह से मैंने सोनी का चश्मा पहन रखा था, इसलिए सूट नहीं कर रहा। चाय का टाइम, मम्मी बना रही चाय। मम्मी अभी तक ब्लॉग में शायद नहीं आई है। हेलो, अदरक वाली घर की चाय तो एक नंबर। आज का वर्कआउट हम करेंगे रात को थोड़ा लेट। कह लो तुम कब दिला रहे हो मुझे? व्लॉगिंग के लिए कैमरा में सोनी दिलाई, सोनी ने बोला था स्ट्रगल ले लो ये मैं डालूंगा पक्का पूजा में, अपने ऐप्स देखूंगा मैं नहीं दिखा रहा। पर हमारे लाइफ में जो भी फेसेस आते हैं वो कुछ ना कुछ चेंज लेके आते हैं हमारे लाइफ में। भले ही आप स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से आप जॉब करते हैं, जॉब के बाद आपकी शादी होती है, कोई भी आपकी लाइफ में अगर फेस चेंज होता है, उस फेस से थोड़ा बहुत आप अनकंफर्टेबल स्टेट में पहुंच जाते हैं, जस्ट बिकॉज चेंज को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट हर चेंज को रिस्पॉन्सिबिली देखेंगे, अगर आपको पता है कि हाँ ये चेंज हो रहा है और आपको पता है कि इसके लिमिटेशंस क्या है, और आप एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर हर चीज को देखते हैं, तो जितने भी फेसेस आपकी लाइफ में आएंगे सारे बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे और आप उससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। हर एक चेंज को अपनी लाइफ में अच्छे से ऑब्जर्व करें और उससे कुछ ना कुछ सीखें। इसी के साथ आज की वीडियो को हम करते हैं यहाँ पे रैप। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।